डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने इंटीग्रेटर पढ़ा था ऑप एम्प का यूज़ करके, ठीक है। जैसा कि हम इसके नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंशिएटर का मतलब ये हुआ कि ये अपने आउटपुट में इनपुट को डिफरेंशिएट कर देगा, मतलब जो भी हम इनपुट देंगे वो आउटपुट साइड में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जैसा कि इसके डिफिनेशन से पता चल रहा है कि द ऑप एम्प सर्किट विच डिफरेंशिएट इट्स इनपुट एट द आउटपुट साइड, है ना। अपने आउटपुट साइड में ये एक सर्किट है जो कि इनपुट को डिफरेंशिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटर सर्किट, है ना। और इसका सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दे रखा है, हमने मेंशन किया हुआ है। अगर आप इंटीग्रेटर सर्किट और डिफरेंशिएटर सर्किट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट में आर था जहाँ पे, वहाँ पे सी लग गया है, और जहाँ पे सी था वहाँ पे आर से चेंज हो गया। बस ये डिफरेंस है, मतलब इनपुट साइड में जहाँ पे R1 था वहाँ पे हमने C1 कर दिया, जहाँ पे सी था वहाँ पे आर कर दिया। ये हो गया बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट। अब सिमिलरली जैसा कि हमारा तरीका है सॉल्व करने का, फिर से मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब जीरो, यानी कि वी ए टर्मिनल ए हमारा जो है वो जीरो है, तो वी बी भी जीरो होगा। इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बी पे करंट को हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि अप्लाई कर देंगे KCL एट नोड बी। तो नोड बी का मतलब ये हमारा नोड बी है। अब इस नोड बी पे हमने क्या किया, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सिंपल सिंग एग्जैक्टली सेम जैसा कि हमें हमने इंटीग्रेटर सर्किट में किया था। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू IF, ठीक है। अब यहाँ पे I1 एंड IF की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे I1 जो है वो करंट अक्रॉस कैपेसिटर C1 है, और IF जो है वो करंट अक्रॉस कैपेसिटर R1 है। तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, C इंटू DV बाई DT, है ना। तो C की जगह पे क्या हो गया, C1, यहाँ पे C1, डी बाई डी टी, और V की जगह पे क्या हो गया, वी इन माइनस वी बी, क्योंकि ये यहाँ करंट I1 जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में फ्लो है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्योंकि करंट अक्रॉस R है तो V बाई R, V मतलब वी बी से लेके और V आउटपुट के बीच में, तो ये हो गया वी बी माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाई आर एफ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आर है। इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम इक्वेशन नंबर 1A और VA और VB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जहाँ पे VB है ये VB वहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे VB है वो जीरो हो जाएगा। तो जो मेरा इक्वेशन नंबर 4 बनेगा वो क्या बनेगा, देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ कि हम VB इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद क्या बचा, ये C1 इंटू डी बाई डी टी इंटू वी इन और माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाई आर एफ। हर इक्वेशन डेरिवेशन में हमें क्या करना होता है, मुझे हम लोगों को फाइनली वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी होती है, दिस इज वी आउटपुट, है ना। तो वी आउटपुट निकाल, अब सिंपल देखिए, अब यहाँ पे ना कोई इंटीग्रेट करना है ना डिफ्रेंशिएट करना है, सो हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, जहाँ पे कि ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारा, कि जो आउटपुट मिलेगा हमें, यानी कि यहाँ पे C1 इंटू डी बाई डी टी इनपुट और माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाई आर एफ। आपको हमें निकालना क्या है, ये वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आर एफ को यहाँ पे C1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा वी आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस, मतलब जो माइनस है इधर लेके चले जाते हैं, माइनस C1 इंटू आर एफ, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इंटू आर एफ, और जो पहले से डी बाई डी टी इंटू वी इनपुट था वो डी बाई डी टी इंटू वी इनपुट, यानी कि वी इनपुट का डिफरेंशिएशन, है ना। तो आउटपुट इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू वी इनपुट, यानी कि इनपुट का डिफरेंशिएशन, और C1 एंड आर एफ जो है कॉन्स्टेंट टर्म है जिसकी कोई एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू आएगी, और इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन बन गया, क्लियर। तो डिफरेंशिएटर एक सर्किट है ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज करके हम बात करें, जो कि इनपुट को आउटपुट में डिफरेंशिएट करता है, और इसके मात्र 3 से 4 स्टेप हैं। पहला हमने
वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट का यूज करके वी ए स्केल टू वी बी स्केल टू जीरो कर दिया, जो कि सब में हम यूज करते हैं अगर सेकेंड वाला टर्मिनल ग्राउंड है तो, है ना। और इसी तरीके से सेकेंड इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो कि हमने क्या कर लगा दिया, केसीएल लगा दिया नोड बी पे, और इसकी वैल्यू आई वन एंड आई वन एफ की वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन नंबर टू में। कैपेसिटर के अक्रॉस सी इंटू डी वी बाई डी टी होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू वी बाई आर होता है। इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, और इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन नंबर फोर में वी बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, और जो फाइनल में मुझे जो आउटपुट मिला वो ये मिला सी वन वी बी जीरो होने के बाद डी बाई डी टी इंटू वी इनपुट और माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाई आर ए। मुझे चाहिए वी आउटपुट की वैल्यू, तो आर एफ से हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा कंप्लीट आउटपुट ये मिल जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि इंटीग्रेटर सर्किट एंड डिफरेंशिएटर सर्किट, अगर आप कोई दोनों में से कोई एक तैयार करते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ डिफरेंस है आर और सी का इंटरचेंज हो गया है, और इसी तरीके से हमारा आउटपुट भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट। तो इस तरीके से यूनिट नंबर जो हमारी फोर्थ थी ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक एक तरीके से कवर कर लिए। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर करीब करीब इसका फाइनल टॉपिक टॉपिक था। रिमेनिंग जो भी पिछले डेरिवेशन थे या उसके नोट्स थे वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सो इस तरीके से ये है हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट यूजिंग ओपन। थैंक यू।